सुखकर्ता सेलिब्रिटी गणेश या विशेष कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत. गझल गायक पंकज उधास यांनी पहिल्यांदाच बाप्पाचं एक गाणं गायलंय. सिद्धिविनायकावरील या गाण्याची सीडी पंकज उधास यांनी मुंबईमध्ये सिद्धिविनायक मंदिरात बाप्पाच्या चरणी अर्पण केली आहे. आज आपल्यासोबत आहेत गझलकार पंकज उधास, की ज्यांनी सिद्धिविनायकासाठी गणरायासाठी एक वेगळ्या प्रकारची गाणी खरं तर आणलेली आहेत आणि भक्तांसाठी एक वेगळी मेजवानी आहे. ये देखिए, ये एक ऐसा जिसको कहें चमत्कार है कि हम लोग, मेरी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी और दोपहर में लंच खा रहे थे. आलोक श्रीवास्तव जी जिन्होंने इस गाने को लिखा है और विशाल धुमाल जिन्होंने कंपोज किया है, वो दोनों मेरे साथ थे और वो दोनों बैठे थे. हम लोग बात कर रहे थे, मेरी बेटी ने कहा कि गणेश जी के ऊपर एक भजन है, आप क्यों नहीं करते. तो मैंने कहा चलो ठीक है. तो बात में से बात बन गई. आलोक जी ने इतना खूबसूरत गीत लिख दिया, विशाल धुमाल ने उसको बहुत प्यार से इतना कंपोज कर दिया खूबसूरती से, और ये एक सिंगल बना है जो कि गणपति बापा का एक हम बचपन से जो देखते आए हैं कि एक भव्य जो विसर्जन होता है कि जिसमें लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं, उसमें वो लास्ट आखिरी दिन पे जबकि विसर्जन होता है उस दिन, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि कोई ऐसा गाना बनाए हम कि जो हर विसर्जन में बजना चाहिए. तो ये एक ऐसा गाना है कि मेरे ख्याल से हर पंडाल में, हर मंडप में, हर जगह पे ये बजेगा. हमने बहुत सी गजलें सुनी हैं आपकी और ये चिट्ठी आई है वगैरह, अभी तक अभी लोग बहुत उसको याद करते हैं, तो ये अलग से चिट्ठी भेजिए. नहीं, बचपन से इस मंदिर में आता रहा हूँ मैं, और सिद्धिविनायक बापा का ऐसा प्रभाव है, उनका ऐसा असर है, तो हमेशा दिल में कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि कभी ना कभी एक गणपति बापा के लिए गाना ज़रूर गाऊंगा. और पता नहीं क्यों, लेकिन मौका नहीं मिला. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बुलावा भेजा कि अब आओ गाओ, मेरा गाना गाओ, तो उनके आशीर्वाद हो गए. सुख करता तू, दुख करता तू, गणपति बापा मोरिया. सुख करता तू, दुख करता तू, गणपति बापा मोरिया. प्रथम पूज्य तू हे गणनायक, बुद्धि प्रदाता सब सुखदायक. प्रथम पूज्य तू हे गणनायक, बुद्धि प्रदाता सब सुखदायक. तीन लोक का तू ही नायक, मंगल करता सिद्धि विनायक. सुख करता तू, दुख करता तू, गणपति बापा मोरिया. गणपति बप्पा. Oh, yeah.